अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं अली रजा। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान गुज़ार, करीम इमाम और एहसन गुज्जर के मुआफ़ी नामे कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन तबादला केस में निपटा दिया। ये पाकिस्तान है जहां गुज्जर की बदमाशी नहीं चलेगी, आइंदा सियासी मुदाखलत ना हो वरना केस दोबारा खोल देंगे। नवाज शरीफ और शाहिद सरकार अब्बासी के खिलाफ बगावत की कार्रवाई की जाए या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ और शाहिद सरकार अब्बासी से भी तहरीरी जवाब तलब। नवाज शरीफ की वापसी पर कारकुनों की धक्कम पेल, कमरा अदालत के शीशे और बाहर गमले तोड़ दिए। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। महंगाई, सी पैक, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मरियम नवाज ने इजलास में शिरकत नहीं की। हुकूमत का पंजाब में करप्शन के खिलाफ मुहाज में शिद्दत लाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई वज़रा को टास्क दे दिया, अपने महकमों में साबिक हुकूमत की बदअनवानियां मंज़िर-ए-आम पर लाने की हिदायत। अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मेगा स्कैंडल, ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद ने बी क्लास की दरख्वास्त दे दी। कराची की अदालत ने एफआईए प्रोसिक्यूटर से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। दौराने ड्यूटी साजा और मुलाजमीन के चप्पल पहनने पर भी पाबंदी। अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले साजा की भी फहरिस्त तलब। जामिया पिशावर वाकई की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। कमेटी से 14 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमेटी पुलिस तशद्दुद, हॉस्टल्स के कब्जे, यूनिवर्सिटी में बेकायदगियों की तहकीकात करेगी। कमेटी फीसों में 10% से ज्यादा इजाफे का भी जायजा लेगी। लाहौर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी शुरू। जौहर टाउन में 14 कमर्शियल प्लाटों पर कब्जे खत्म कराने के लिए कार्रवाई। हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद दो रोजे दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद सियासी और असली क़यादत से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। और पीसीबी की सीईओ सुभान अहमद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू। टिकटों में खुद बुद गैर कानूनी भर्तियों, आमदन से जायद सासे बनाने के इल्जाम। उम्मीद टीवी से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट umeedtv.tv।